नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक उन लड़कियों के लिए है जो अपने बॉयफ्रेंड की शादी को तोड़ना चाहती हैं। बॉयफ्रेंड की शादी को तोड़ने का तरीका आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी किसी लड़के से प्यार करती हैं और आपका प्रेमी आपसे शादी ना करके किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, तो आप इस वीडियो द्वारा अपने बॉयफ्रेंड की शादी को तोड़ सकती हैं। बॉयफ्रेंड की शादी या सगाई को तोड़ने का तरीका, जब हम किसी के साथ प्यार में गिर जाते हैं, हम उस व्यक्ति के लिए पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। यह कभी नहीं होता कि लोगों को किसी से के साथ प्यार में गिर जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन के बाकी खर्च करने के लिए अगर उनके लोग हैं जो उनके दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी बातें होती हैं जब आप उन्हें चाहते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, किसी भी कारण से अगर वो आपसे दूर हो जाता है तो आपका दिल नहीं लगता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपका बॉयफ्रेंड भी आपसे दूर हो गया है और आप अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रहना चाहती, उसको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं, तो हमारी ये वीडियो आपके लिए है। उन लड़कियों के लिए हैं जो अपने बॉयफ्रेंड की शादी को तोड़ना चाहती हैं, उन लड़कियों के लिए हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। अगर आप भी YouTube पर Google पर सर्च कर रही हैं बॉयफ्रेंड की शादी कैसे तोड़ें, बॉयफ्रेंड की शादी को तोड़ने का उपाय मंत्र टोटका इन हिंदी में, तो आज इस वीडियो में आपको बॉयफ्रेंड की शादी को तोड़ने का टोटका मिल जाएगा। आपको जो टोटका बताया जाएगा, उस टोटके को करने के बाद आप अपने बॉयफ्रेंड की शादी या सगाई को घर बैठे ही तोड़ सकती हैं। बॉयफ्रेंड की शादी तोड़ने के लिए आपको एक पीले नींबू पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड का नाम और जन्म तारीख लिख लेनी है। अमावस्या की रात्रि पर आपने यह टोटका करना है। अमावस्या की रात्रि पर ही आपने 108 बार वशीकरण मंत्र का जाप करना है। वशीकरण मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से देखकर आप जाप कर सकते हैं। मंत्र बोलने के बाद यह नींबू अपने बॉयफ्रेंड के घर के आगे फेंक दें। जल्द से जल्द उसकी शादी में विराम लग जाएगा और घर वापस लौटते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये ध्यान रखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये टोटका आप तभी करें जब आप अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार करती हैं, उससे ही शादी करना चाहती हैं। किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस टोटके का प्रयोग न करें। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपका बॉयफ्रेंड भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर कहीं और शादी करने जा रहा है, तो आप इस टोटके का प्रयोग कर सकती हैं। किसी का बुरा करने के लिए इस टोटके का प्रयोग न करें। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आए और एक बार टोटका करने से पहले हमारे पंडित जी से दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें और वशीकरण मंत्र आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से देखकर आप जाप कर सकती हैं 108 बार अमावस्या की रात्रि के दिन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सामने आपको हमारे पंडित जी का नंबर दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत